ये जी रैली है जी, जे तीन आर्डिनेंस ने सरकार ने लागू किए, किसान मारू तो लोकतंत्र का घाण कर ली, उन्होंने संबंध में कढ़ी जा रही है कि सरकार उन्होंने वापस लवे। हर एक बच्चे तो लैके 80 साल के बजुर्ग तिकर घर लोग निकले आ, जो लोग खेती नाल नहीं संबंधित वह भी लोग घर चों निकल के इस सरकार का विरोध करते हैं। असी आने की वो तो वह घर चों निकल के इस सरकार का विरोध किया जाए और तीन काले कानून जेडे सरकार वापस लवे। ट्रैक्टर जी हर एक 1000 ट्रैक्टर के लागे छागे होगा कि हर एक पिंड हर एक वर्ग का मेला वाधा जाना, पिंडां दे विचों भी रलने ने, रस्ते दे विचों भी, जो खेमकरन दे गुरद्वारा गुरूसर तो लैके गुरद्वारा भिखीविंड पहू बाबा दीप सिंह पहू पिंड तिकर समाप्त होगा। भिखीविंड पहू पिंड साहब तक जाके समाप्ति आ, उत्थे भी जाके गुरु साहब अगे अरदास बेनती करनी आ कि साडा जिहड़ा दिल्ली विच चल रहा संघर्ष आ उहनू गुरु साहब बल दो। जिस तरह तुसीं सवा महीने तो साडी रक्षा करदे आए हो, उसे तरह साडी गांह रक्षा करो, क्योंकि जिन्हां नूं असीं वोटां पाईआं ने इह तां मोदी सरकार ने सानूं जलम कह दिता, इन्हां ने सानूं खाड़कू किया, फिर उदों इन्हां नूं मूँह दी खाणी पई जदों हिंदू वीरां ने भी, मुस्लिम वीरां ने, होर धर्म दे वर्ग दे वीरां ने भी बैनर ला के कहता जे अन्नदाता अतवादी आ ते असीं वी अतवादी आ। की इन्हां दे पले रहा, विदेशां दे विच इन्हां दी थू थू आउंदी आ कि डेमोक्रेसी दा बंदे एक कहाण करके डिक्टेटरशिप वरतन दे ने, किन्ने इन्हां दे इल्जाम लाए। ते जिहड़ा मोदी सरकार दे जिहड़े चेते आ ते जिहड़े थले इन्हां दे हैगा गोदी मीडिया कुछ विखा रहा वा, पर मैं धन्यवाद करदा वा साडे पंजाब दे मीडिया दा जिहड़ा सच्चाई विखा रहा दिल्ली विच। इस धरने दा साडा मनोरथ इही आ कि दिल्ली च बैठे जिहड़े साडे किसान आ उहनां नूं बल देण लई, क्योंकि इस वक्त वेखो एक झंडे दे थले, किसानी झंडे दे थले सारा पंजाब नहीं, एक हिंदुस्तान चल रहा। ते साडी गंदी सियासत ने जिहड़े पंजाब हरियाणे नूं अड कीता सी, जदों पंजाबी मिलदे सी पंजाब वाले हरियाणे नूं अखां कढ़दे सी, हरियाणे वाले पंजाब नूं अखां कढ़दे सी, पर इक्को लाले दे विच किसान हरियाणा छोटा भाई ते पंजाब वड्डा भाई बन गया वा। इन्हां दा जिहड़ा मोर्चा साडा लगा वा, मोदी नूं मंगा मन्नणियां पैणियां ने, जे हुण ना मन्नूगा होर टाइम, क्योंकि इह साडा भावें सालां पर जे लग जाए असीं प्रबंध कीते आ, सैट सारे लगे ने। सो इह चीज़ हैगी आ जिहड़ा साडा वा अंदोलन आ, गुरु साहिब दी कृपा नाल सही चलदा वा ते सही चलदा रहू इह अंदोलन। जिहड़ा तुसीं ट्रैक्टर किसानां दा इकट्ठ वेख लिया, एक दिन पहलों प्रोग्राम दित्ता सी कि लागे लागे जिहड़े आ पिंड वाले उह ट्रैक्टर लै के आए आ, तुसीं हुण इत्थे इह वी विखाउणी कि GCB विच वी लै के आए। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਦ ਚੱਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹਮਦਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ 1500 ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਏ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਜੀਓ ਦਾ ਟਾਵਰ ਇਹਨੇ ਭੰਨਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨ ਜਾਣ ਦਿਆ ਵਾ।